वैक्सीनेशन में बूस्टर डोज की तैयारियां पूरी हो गई हैं। गुरुवार व शुक्रवार को जिले के अस्पतालों पर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। प्रथम चरण में जिन स्वास्थ्य कर्मियों का कोरोना टीकाकरण हुआ है, स्वास्थ्य कर्मियों को 28 व 29 जनवरी को टीका लगाया गया था, अब उन्हें 25 व 26 फरवरी को दूसरी डोज दी जाएगी। इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्करों को भी दूसरी डोज व तीसरे चरण के टीकाकरण की तैयारी चल रही है। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि बूस्टर डोज के लिए तैयारी पूरी हो गई है। उन्होंने बताया कि फ्रंट लाइन वर्करों का भी टीकाकरण समाप्त हो चुका है। बचे हुए स्वास्थ्य कर्मियों व फ्रंट लाइन वर्करों को टीका लगाने के लिए हर सोमवार को मॉपअप राउंड आयोजित किया जाएगा। मार्च से तीसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी। मॉपअप राउंड के अलावा दूसरी डोज के लिए भी टीकाकरण आयोजित किया जाएगा। तीसरे चरण में 50 वर्ष से ऊपर व इससे नीचे के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूची बनाने के लिए लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग का अनुमान है कि तीसरे चरण में लगभग 8 लाख लोग हो सकते हैं, जिन्हें 400 बूथों पर टीका लगाने की तैयारी चल रही है। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में बूथ बनाए जाएंगे, ताकि ग्रामीणों को शहर में टीका लगवाने के लिए न आना पड़े। हालांकि पहले व दूसरे चरण में भी ग्रामीण इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों पर बूथ बनाए गए थे, लेकिन इस बार गाँवों में बूथ बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए स्कूल और अस्पताल चयनित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी डोज के साथ ही बचे हुए कर्मियों के लिए मॉपअप राउंड व तीसरे चरण के लोगों के लिए टीकाकरण की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तीसरे चरण में बूथों की संख्या 400 बनाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि एक माह में ही 8 लाख लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए। इस संबंध में टेलीफोन पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है और पहले चरण में हम लोग अपने स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए थे, जिसमें 20,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए। और उसके बाद सेकंड फेज में हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स में फ्रंट लाइन वर्कर्स आए, जैसे पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, पीआरआई विभाग और नगर निगम के लोगों ने लगवाया। करीब हम 25,000 से ज्यादा हम लोग वैसे अपने जिले में करा चुके हैं। कल हमारा मॉपअप राउंड फिर से चालू हो रहा है, जिसमें फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ साथ हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स में भी जो छूटे हुए हैं उनका भी वैक्सीनेशन होना है। हम अपील करते हैं कि जिन जिन लोगों का पोर्टल पर एंट्री है, वो लोग आए कल हमारे बूथ पर और वैक्सीनेशन कराएं। कल हमने ज्यादा मात्रा में बूथ लगा रखे हैं, 78 जगह पर हमने बूथ लगा रखे हैं। और जितने भी छोटे हमारे हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो सभी लोग आए, लेकिन ध्यान रखें कि वो पोर्टल पर जिनके नाम पहले से इंटर है वही लोग आए, अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेके आए और अपना टीकाकरण कराए। नेक्स्ट फेज हमारा शुरू हो रहा है जो जनरल पब्लिक के लिए है, जो 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। तो अगले महीने से संभवतः 15 मार्च के आसपास से शुरू हो जाएगा सिस्टम। हम लोगों ने पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई कर लिया है, करीब 7.5 लाख हमारे 50 साल से ऊपर लोग हैं, जिनका हमें सेकेंड थर्ड फेज में वैक्सीनेशन करना है, जो कि 15 मार्च के बाद से चालू होगा। और उसकी साइट काफी है, 400 के आसपास हमारी साइट है जो वैक्सीनेशन होगा, और उसको हमने 15 दिनों में हमें पूरा करना है।